साथियों को मेरा नमस्कार। एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए साथियों, एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय हिंदी के महत्वपूर्ण पाठों को हल करते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आज हम देखेंगे पाठ 10, बने जो बच्चों की सरकार। बहुत ही अच्छा पाठ है, इसके प्रश्नोत्तर हल करते हैं। अति लघुत्तर प्रश्न है, पहला, बच्चों की सरकार बनने पर आप सरकार में क्या बनना चाहेंगे? तो बच्चों की सरकार बनने पर हम सरकार में खेलकूद मंत्री बनना चाहेंगे। तो आप अपनी शिक्षा के अनुसार यहाँ पे अपने आप जो बनना चाहते हैं उसे बता दीजिए। फिर है, कविता के अनुसार राग देश कब समाप्त होगा? तो कविता के अनुसार जब मन में किसी भी प्रकार का मलाल ना हो तब ही राग देश समाप्त होगा। अगला प्रश्न है, समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए, जैसे घर नर सेना मैना। अगला प्रश्न है, बच्चे मन के सच्चे ऐसा क्यों कहा जाता है? बच्चे के मन में किसी भी प्रकार का मलाल नहीं होता है, वे पल भर में लड़ते झगड़ते हैं लेकिन दुआ अगले पल में दोस्ती कर लेते हैं, इसलिए बच्चों मन के सच्चे होते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की सरकार बनने पर आप कौन से काम करेंगे? उत्तर है, बच्चों की सरकार बनने पर हम हमारे विद्यालय की साफ़ सफाई, बगीचे की साफ़ सफाई तथा जल की व्यवस्था से संबंधित कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में लिखिए। तो दूसरों सहायता की हमें करना चाहिए, तो इसका सही हम जब वाक्य लिखेंगे तो हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। पसंद खेलना है, बच्चों को खेलना पसंद है, बच्चों को हो जाएगा अधिकारी होंगे बच्चे, तो इसका सही वाक्य हो जाएगा, बच्चे ही अधिकारी होंगे। चाहिए मिलजुल कर हमें कर रहना, तो इसका हो जाएगा हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी, बच्चों की सरकार बनने से क्या लाभ होंगे? तो बच्चों की सरकार बनने से अनेक प्रकार के लाभ होंगे, किसी के मन में बैर नहीं होगा, सभी बच्चे अधिकारी होंगे, कोई किसी को नीचा नहीं समझेगा, सभी मिलजुल कर कार्य करेंगे, सभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल्यांकन नंबर 8 दी गई है, आपकी शाला में बच्चों की सरकार का नाम बताइए, तो बाल कैबिनेट हो जाएगी। अगला है, आप बच्चों की सरकार में सैनिक का काम कार्य कैसे करेंगे? तो हम बच्चों की सरकार में सैनिक का कार्य देश की सेवा करके करेंगे। अगला प्रश्न है, जहां आप रहते हैं वहां की ग्राम पंचायत या नगर पालिका नगर परिषद के कार्यों की जानकारी लेकर बताइए। तो आपके क्षेत्र के अनुसार बताना, जैसे हमने ग्राम पंचायत के बारे में बताया है, ग्राम स्तर पर पानी की व्यवस्था करने का कार्य ग्राम पंचायत का होता है। विद्यालय के लिए जल पहुंचाना, गांव में सड़क की मरम्मत करना, गांव में सुरक्षा समिति का निर्माण करना, गांव में लोगों को अन्य सुविधा जैसे श्रम कार्य दिलवाना, 100 दिन का रोजगार आदि, यह ग्राम पंचायत से ही किया जाता है। तो इस तरह साथियों, समस्त प्रश्नों के उत्तर कम्प्लीट होते हैं। आशा है वीडियो को आपने शुरू से अंत तक देखा होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।